नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदास मॉम गार्डन। दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा यूफोबिया मिली का पौधा है और ये पौधा जो है काफ़ी खूबसूरत था। और ये पौधा एक ऐसा है जो लगभग पूरे साल पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये पौधा जो है मेरा ये ख़राब हो गया है ओवर वाटरिंग की वजह से। अभी मैं कुछ दिनों के लिए वैकेशन में गई थी तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसकी वजह से जो है ये रूट रॉट हो गया है। ये देखिए ये पूरा जो है ये गल चुका है और आज मैं इसको जो है बचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ ब्रांचेस है जो कि सही कंडीशन में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बचा लूँ, नहीं तो फिर दोबारा से मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही कम ब्रांचेस जो बचे हैं जो रॉट नहीं हुए हैं। देखिए इसमें बहुत बुरी तरीके से ये पौधा जो है ओवर वाटरिंग से ख़त्म हो चुका है। तो यूफोबिया मिली में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर पानी आप दे देते हैं तो इस पौधे का जैसा हाल हुआ है वैसे ही होगा। तो इसमें दोस्तों इसमें जो है ये ब्रांच सही लग रहा है मुझे, तो इसको मैं कट कर दूँगी। कट करके इसको मैं कटिंग से फिर से इसको ग्रो करूँगी, क्योंकि ये पूरा यहाँ रूट से ही ये पौधा जो है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ से ये सही है, देखिए ये सही है यहाँ से। तो इसको जो है मैं छांव में रखूँगी इसको 2-3 दिन तक। ये पूरा ये जो सैप निकल रहा है ये पूरा ड्राई हो जाए, उसके बाद इसको फिर से हम कटिंग से ग्रो करेंगे। तो ये पूरा पौधा जो है पूरा गल चुका है, तो मुझे सिर्फ ये 3 ब्रांचेस मिले हैं इसमें जो कि थोड़ा सही कंडीशन में है, तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको जो है 2-3 दिन तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी इसी पॉट इसी में, ताकि ये जो सैप निकल रहा है ये वाइट सैप जो निकल रहा है ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है इसको मैं फिर से मिट्टी में लगाऊंगी, पॉट में लगाऊंगी। तो इसको पहले मैं 2-3 दिन तक इसको ऐसे ही सूखने दूंगी। दोस्तों इसको इस कटिंग को जो है सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े, छांव में इसको रख दीजिए ताकि ये जो जितने भी सैप इसमें है ये सब सूख जाए, उसके बाद हम फिर से इसको कटिंग से ग्रो करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊँगी 2 दिन बाद मिलते हैं कैसे इसको बचाना है। दोस्तों 2 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, ये पूरा नीचे से जो है ये सूख चुका है, ये ड्राई हो चुका है। तो इस कंडीशन में अब हम इसको जो है मिट्टी में लगाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने जो है लिया 40% रेत मिलाया है इसमें और 40% गार्डन सॉइल है और इसमें 20% मैंने खाद मिला दिया है। और ये इसके लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स है, क्योंकि 40% रेत मिलाने से जो है ये वेल ड्रेन सोयल बन जाएगा, जितना भी आप पानी देंगे ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और आप चाहे तो इसमें जो है कोई भी फंगिसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें फंगस ना लगे। मेरे पास फंगिसाइड पाउडर नहीं था तो मैं हल्दी ली हूँ, मैं इसको इस हल्दी को इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें जो है मेरा फंगस वगैरह अटैक ना करे, क्योंकि पानी ज़्यादा हो कभी हो जाए तो इसमें फंगस अटैक कर सकता है और फिर से दोबारा से मेरा ये पौधा जो है गल सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा हल्दी पाउडर या फिर कोई भी आपके पास फंगिसाइड पाउडर है पेस्टिसाइड पाउडर है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है और मैं एक ही पॉट में ये तीनों कटिंग लगाऊंगी। और दोस्तों जब भी आप कटिंग लगाइए छोटे पॉट में ही लगाइए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बड़े पॉट में अगर आप लगा दिए और उसमें पानी दे रहे हैं तो ज़्यादा पानी की वजह से जो है आपका ये ख़राब हो सकता है। तो आप इस तरीके से लगा दीजिए और इसको जो है अब हमें 3-4 दिन तक छांव में रखना है और उसके बाद जो है इसमें अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तब आप इसको आप 2-3 घंटे की सनलाइट में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका प्लांट जो है
ख़राब हो रहा है, रॉट हो चुका है, तो आप इस तरीके से इसको बचा सकते हैं। दोस्तों ये ब्रांच इसमें मिट्टी में लगाने के बाद जो है हम इसको बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और उसके बाद जो है इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे। इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, ब्राइट लाइट में इसको 3 से 4 दिन तक रखेंगे तो इसमें जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। उस 3 से 4 दिन में इसमें अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है सुबह के सनलाइट में आप रखिए, 1-1.5 घंटे के सनलाइट में आप रखिए और जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा, 1 हफ्ते होगा, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी, तो आप 2 ऐसे प्लेस में रखिए जहाँ पे 2-3 घंटे की सनलाइट आती रहे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने गले हुए पौधे को, ख़राब पौधे को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शो करूँगी। और दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्लांट को जो है बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों ये बच जाएगा क्योंकि हमने इसका सैप जो है ड्राई कर दिया था। अगर सैप ड्राई नहीं होता है तो उसमें जो है फिर से फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।